इंडिया की ओर से समयबद्ध योजना की शुरुआत की गई है। पूरे प्रदेश में 23 लाख से अधिक श्रमिकों के खातों में योजना की पहली किस्त भेज दी गई है। मैनपुरी में भी जिलाधिकारी ने लोगों से ज्यादा योजना का लाभ लेने की अपील की है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिकों के लिए एक नई योजना का शुभारम्भ किया गया था, जिसको सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने धरातल पर उतारने का काम किया है। 9 मई के दिन अपने संबोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 23 लाख श्रमिकों के खाते में श्रमिक बंधुओं योजना के माध्यम से पहली किस्त भेजने की घोषणा की है। वहीं मैनपुरी में भी जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह की ओर से भी जनपद के सभी श्रमिकों से योजना का लाभ लेने के लिए अपील की गयी है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी श्रमिकों को बताया है कि जिन लोगों ने अभी तक योजना का लाभ पाने के लिए पंजीयन नहीं कराया है, वे तत्काल ही किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर तत्काल पंजीयन कराकर योजना का लाभ लें। उन्होंने एक सूची भी जारी की है, जिसमें ऐसे सभी लोगों के बारे में जानकारी दी गई है जो भी लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं।